नमस्ते परोहा, कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए थे लेसन वन के, उनको नोटबुक में नोट भी किया होगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थात जीवों का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण। ऐसा कि हम पहले से ही पहले अध्याय में ही अच्छे से समझ चुके हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, और उसके बाद हमने समझा कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, उसके पश्चात किसी भी जीव को वर्गीकृत करने के लिए कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि अभी तक वर्गीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, जीव जगत का वर्गीकरण। देखते हैं बच्चों अपन आगे इसको। तो जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका इंट्रो, प्रस्तावना। इसके बाद इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं आपको, मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, फंजाई किंगडम है, प्लांटी किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम है, साथ ही साथ एक और स्पेशल फीचर वाली जो है उनके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वायरस, विरोइड तथा लाइकेन का अध्ययन। तो ये सब बिल्कुल विशाल प्रिमिटिव स्टेज से लेकर के उनकी हायर स्टेज तक के बारे में हम अध्ययन यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीव जगत का अध्ययन। बच्चों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि कैरोलस लीनियस ने द्वि जगत वर्गीकरण, द्वि नाम पद्धति और द्वि जगत का वर्गीकरण समझाया था कैरोलस लीनियस ने। ये आप सबको पिछले अध्याय में हमने बहुत अच्छे से समझाया था। तो इन्होंने द्वि नाम पद्धति दी, साथ ही साथ द्वि जगत वर्गीकरण के बारे में हमको समझाया था। लेकिन जो द्विजगत वर्गीकरण था वो पूर्ण रूप से जीवों के वर्गीकरण के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि इनके इसके अंतर्गत इनने मात्र इसको दो भागों में बांट दिया था। कौन कौन सा? पादप समुदाय और दूसरा जीव समुदाय। पादप समुदाय और जंतु समुदाय में इसको बांट दिया था। तो ये जो था, इस प्रकार का जो वर्गीकरण था वो पूर्ण रूप से किसी भी जंतु को सही मामलों में क्या कर सकता था, वर्गीकृत नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे एक कोश की जीव और बहुकोश की जीवों को इनने लगभग साथ में रख दिया था। साथ ही साथ इस वर्गीकरण में पादप के अंतर्गत वो भी आ रहे थे जो प्रकाश संश्लेषी थे, कुछ जंतु ऐसे भी थे जो प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे थे, तो उनको भी ये क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तब क्या हुआ? तब R.H. विटेकर नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन 1969 में कौन सा वर्गीकरण पद्धति दी? पांच जगत वर्गीकरण, अर्थात 5 types कैटेगरी में उन्होंने पूरे जीव जगत को जो है वो डिवाइड किया। तो कैसे किया उन्होंने? जीव जगत को 5 kingdom में डिवाइड किया। पहला मोनेरा किंगडम, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। इस प्रकार से उन्होंने पूरे संपूर्ण जीव जगत को जो है वो 5 वर्गों में विशेषीकृत करके रख दिया। और इन्होंने कौन कौन से आधार के उससे सोचा कि इनको जीव जगत का वर्गीकरण किया? तो जो विटेकर की वर्गीकरण पद्धति के जो आधार थे बच्चों, वो ऐसे थे। पहला इन्होंने आधार रखा कोशिका संरचना, यानी सेल स्ट्रक्चर क्या है किसी भी लिविंग बींग की। दूसरा शारीरिक संरचना, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। फिर तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अर्थात उसमें भोजन ग्रहण करने की, भोजन बनाने की जो न्यूट्रिशन मेथड है, पोषण की प्रक्रिया है वो कैसी है। चौथा उन्होंने बताया प्रजनन, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है जीव, जो कि हम पहले पढ़ चुके। इसके बाद उन्होंने बताया जाति वृत्ति संबंध, माने उनका आपसी जातियों में और स्पीशीज के भीतर क्या इंटर रिलेशनशिप है,
जिसको उन्होंने आरएच विटेकर ने अपने वर्गीकरण पद्धति में प्रस्तावित किया। तो अगर हम देखें आरएच विटेकर ने जो पांच जीव जगत की वर्गीकरण की पद्धति दी उसके आधार क्या थे, तो पहला आधार था उसका सेल टाइप यानी कोशिका का प्रकार, सेल किस टाइप की है। आप लोग ये पहले की क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो सेल होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो उन्होंने जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उनको मोनेरा किंगडम में रखा और बाकी की जितनी यूकैरियोटिक सेल्स थी मोस्टली उनमें से उनको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम में समाहित किया। सेकेंड लेवल जो था सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर उनका आधार था। मोनेरा किंगडम में इन्होंने सेल्युलोज रहित यानी सेल्युलोज एक कार्बोहाइड्रेटिक कंपाउंड है उसके बिना पॉलीसैकेराइड और एमिनो एम्ल वाली कोशिका भित्ति रखी जो कि प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित थी, फंजाई में पूरी उपस्थित थी, काइटिन युक्त थी, प्लांटी में सेल्युलोज सहित थी, विद सेल्युलोज की सेल वॉल रहती है और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। इसके बाद उन्होंने देखा तीसरा आधार था केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको कोशिकीय संरचना बहुत अच्छे से आपको याद होगी, तो जो मोनेरा किंगडम उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया चारों में ये प्रेजेंट रहती है। ये बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्टिव वर्णन है, इसको यदि आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे के जैव जगत वर्गीकरण या उनके बाद की उनकी जो फिजियोलॉजी वगैरह भी है उसमें भी दिक्कत नहीं जाएगी। चौथा आधार उन्होंने बोला काय संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर, जो पूरी बॉडी है वो किस हिसाब से डिफाइन हुई इसमें। तो इसकी कोशिकी रहती है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में भी कोशिकी रहती है, फंजाई में बहु कोशिकी मल्टी सेलुलर रहती है और ऊतक जो है वो डिफाइन रहते हैं थोड़े थोड़े। इसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया में प्रॉपर क्या है, ऊतक, अंग और अंग तंत्र वाला पूरा सिस्टम डेवलप रहता है। पांचवा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत वैरायटी है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा किंगडम में बहुत सारे कैसे स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस वाले तथा साथ ही साथ कैसे हेटरोट्रॉफिक परपोषी में मृत पोषी परजीवी इस प्रकार के जीवों की प्रायिकता रहती है। प्रोटिस्टा में भी स्वपोषी और परपोषी जीव पाए जाते हैं, फंजाई में मोस्टली परपोषी जीवों की उपस्थिति, इनमें भी ये अधिकतर मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं। जितने प्लांटी हैं नो डाउट ऑल आर कैसे हैं ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी कहलाते हैं और जितने एनिमल एनिमेलिया हैं जितने जंतु हैं वो सब परपोषी कहलाते हैं। अब अगर हम रिप्रोडक्शन मेथड पे जाएं तो हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो हर किंगडम में अलग अलग, जैसे इसमें कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के द्वारा, इसमें युग्मक संलयन एवं संयुग्मक, फंजाई में निषेचन, प्लांटी में भी निषेचन और एनिमेलिया में भी निषेचन। आप ये सारी विधियां अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इस वर्गीकरण के आधार पर अब हम जो पहला वर्गीकरण का जो पहला दिया है स्टेप किंगडम मोनेरा उसका आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहली कौन सी है, जगत मोनेरा, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे मोनेरा क्या है। मोनेरा जगत, जैसा कि नाम मोनो यानी छोटा, इस समूह में छोटे जीव रखे गए हैं। शुरू करें अपन, जो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जो आते हैं जितने भी जीवधारी वो सब प्रायः यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा, इसमें बहुधा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के हैं। तीसरा, अगर हम देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक अर्थात सूक्ष्मदर्शी जीव पाए जाते हैं। अगर हम इन्हें कहें तो आकार के आधार पर जो जगत मोनेरा है उसमें जीवधारी हैं उनको अगर हम आकार के आधार पर वर्गीकृत करें तो ये कितने प्रकार के हैं बच्चों, चार प्रकार के हैं।
तो आकार के आधार पर पहला है कोकाई, अर्थात ये कैसे रहते हैं, राउंड इन शेप, गोलाकार रहते हैं, सिंगल भी रहते हैं और कभी कभी ये इसके कोकाई की कॉलोनियल समूह में भी रहते हैं, चेन में भी रहते हैं, इस प्रकार से ये कोकाई समूह बना लेते हैं। दूसरा है बैसिलाई, बैसिलस यानी छड़ाकार, इसको बैसिलाई बोलते हैं, एक यूनिट बैसिलाई कहलाती है। तो जो बैसिलाई रहते हैं ये छड़ाकार कहलाते हैं, इस प्रकार के शेप के रहते हैं और इसमें इनके न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ये बैसिलाई कहला गए। इसके बाद जो स्पाइरल शेप के स्पाइरिला कहलाते हैं, ये कैसे होते हैं, वेवी इन स्ट्रक्चर होते हैं, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वेव लाई स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनमें फ्लैजिला यानी कोशिका प्रचलन अंग की उपस्थिति भी पाई जाती है। इसके बाद कॉमा शेप के जो कहलाते हैं वो विब्रियो कहलाते हैं, विब्री या विब्रियो भी इसको कहते हैं। ये कैसे होते हैं, ये कॉमा शेप होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है हल्का इंग्लिश के कॉमा शेप जैसे स्ट्रक्चर लिए ये कहलाते हैं। ये आकार के आधार पर जो मोनेरा समुदाय है वो चार भागों में डिवाइड है। फर्स्ट है कोकाई, सेकंड वन वेसिलाई, थर्ड स्पाइरेला और फोर्थ हो गया आपका विब्रिया। तो ये चार प्रकार है और इन चारों प्रकारों के यहाँ पर देखिए आप क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पिक देख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं। ये बेसिलस, इसके बाद में ये कोकिला स्ट्रक्चर में है, कोकाई स्ट्रक्चर में, ये क्लॉस्ट्रिडियम का है, ये एस्चेरिशिया कोलाई जो एक परजीवी है उसका है, इसके बाद स्पाइरुलिना का है, स्टेफिलोकोकस का चित्र है यहाँ पर, ये भी कोकस का कॉलोनियल फॉर्म वाला एक डायग्राम है और ये साल्मोनेला का चित्र है। इस प्रकार जो मोनेरा समुदाय है वो सूक्ष्मदर्शी जीवों से बना हुआ है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी सेल्स मिलकर के कॉलोनियल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती हैं। अब अगर हम समय के आधार पर देखें कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवोत्पत्ति के बाद जो उनका कहना चाहिए निर्माण हुआ जीवधारियों का, तो प्राचीन समय के आधार पर और अभी के एडवांस समय के आधार पर दो भागों में इस मोनेरा जगत को बांटा गया है। पहला है आद बैक्टीरिया जो अति प्राचीन बैक्टीरिया माने जाते हैं और दूसरा है यू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया। अगर हम आद बैक्टीरिया की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, अत्यंत कठिन स्थानों में, मतलब अगर नॉर्मली भी यदि मोनेरा समुदाय की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें तो एक मुट्ठी भर मिट्टी में भी हमें सैकड़ों प्रकार के क्या मिल जाएंगे, बैक्टीरिया मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के, और ये हर जगह पाए जाते हैं, अत्यंत कठिन स्थानों जहाँ पर जीवन दूसरे जीवधारी नहीं रह पाते वहाँ ये बैक्टीरिया हमको रहते हुए मिलते हैं। तो ये अत्यंत लवणी, बहुत ज़्यादा लवण युक्त क्षेत्र जिसको हेलोफी कहलाते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, अत्यंत गर्म पानी के जो झरने हैं उनको कहते हैं थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया, कच्छ क्षेत्र जहाँ पर मीथेन गैस वाला क्षेत्र कहलाता वहाँ पर मैथनोजेन बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो रूमिनेंट पशु हैं जैसे गाय भैंस, इनके जो अंदर की आंत रहती है, इंटेस्टाइन पोर्शन रहता है, वहाँ पर भी ये क्या कहते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आपने एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दी होगी, जब बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं तो बायोगैस प्रोडक्शन के समय आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा मैथेन गैस निकलती है, तो उस गैस को रिलीज करने में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भी यही आद बैक्टीरिया रहते हैं जो मैथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं और वो मीथेन गैस जो है वो रिलीज करते हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन करती है। अब देखें हम आद बैक्टीरिया के बारे में यदि, तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया इन दिस ग्रुप आर द वंस दैट लिव इन सम ऑफ द टफेस्ट प्लेस टू लिव, कहाँ रहते हैं, सबसे कठिन क्षेत्रों में जहाँ जीवन बहुत कठिन है, ऐसे क्षेत्रों में ये रहते हैं। दूसरा, द प्लेसेस दैट दे लिव टुडे आर सिमिलर टू कंडीशन फाउंड ऑन अर्थ व्हेन इट वाज फर्स्ट फॉर्म, सो साइंटिस्ट
थिंक दैट मे बी द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दूसरी पॉइंट यह क्या कहलाती है कि ये बैक्टीरिया ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय जब पृथ्वी का क्या होगा, उद्भव हुआ होगा जीवन का पृथ्वी पर, उस समय जो परिस्थितियां रही होंगी उस समय भी ये आद्य बैक्टीरिया पाए जाते रहे हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो पाए जाने वाली हैबिटेट है, हैबिट है, वो सब जो है वो आद्य बैक्टीरिया, और इनको सबसे पुरातन बैक्टीरिया, आद्य यानी प्राचीन, सबसे पुरातन बैक्टीरिया माना जाता है। सेकंड जो बैक्टीरिया का टाइप कैटेगरी आती है वो है यू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया। ये तो बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज ऑफ लाइफ के थे आद्य बैक्टीरिया, और जो यू बैक्टीरिया थे या वास्तविक बैक्टीरिया थे वो इनका और एडवांस वर्जन है। तो इसको देखते हैं अपन, देखें कि जो आर्की बैक्टीरिया है और जो यू बैक्टीरिया है उनके सेल स्ट्रक्चर किस प्रकार के हैं। तो हम देखते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया है उसका जो सेल स्ट्रक्चर रहता है वो प्रिमिटिव टाइप का यानी प्रोकैरियोटिक सेल टाइप का रहता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कोश केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित रहती है, और साथ ही साथ सेल ऑर्गेनेल्स भी जो रहते हैं वो बहुत डिफाइंड नहीं रहते। हाँ, एक लोकोमोटिव ऑर्गन मतलब एक लोकोमोटिव स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको फ्लैजेलम कहा जाता है, और सेल वॉल पाई जाती है, साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। अब हम देखें यदि यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसका जो सेल स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर रहता है। इसमें बाकायदे आपको केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है, पूरे कोशिकांग उपस्थित रहते हैं, साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन भी उपस्थित रहती है। तो ये है अपना आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरियल सेल और यू बैक्टीरियल सेल का देखा अच्छे से डिफरेंस, और वो डायग्राम्स आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी में बना लेंगे। अब जो यू बैक्टीरिया की हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा, कठोर कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल की उपस्थिति होती है। तीसरा, फ्लैजेला की उपस्थिति इसमें पाई जाती है, मतलब इससे लोकोमोशन लोकोमोटिव एक्टिविटी कर सकते हैं। फ्लैजेला की उपस्थिति। दूसरा, इसके अंतर्गत कई प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जैसे स्वपोषी अर्थात फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया जो कि हैं साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया इस कैटेगरी के हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं नॉस्टॉक और एनाबीना। इनके बच्चों नाम जरूर याद आप नोट करते जाइए, वन मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इनकी तत्वों का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करते हैं तत्वों की, मतलब जटिल तत्वों को सरल तत्वों में विघटित कर देते हैं जिससे कि पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। उसके बाद आते हैं परपोषी बैक्टीरिया जो कि बहुधा अवघटक अर्थात एज अ डीकम्पोजर कार्य करते हैं। अब ये डीकम्पोजर क्या है, तो बच्चों एज यू नो कि जी सरल तत्व सरल संगठन जीवन का जटिल संगठन बनता है, अर्थात जटिलता की ओर जब बढ़ते हैं तो जीवधारी का निर्माण होता है, और यही जटिल जीव जब मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इन सब में ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे तत्वों में यौगिकों में विघटित कर देते हैं, डिकम्पोजिंग का कार्य कर देते हैं, तो उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। बच्चों अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो पृथ्वी पर तत्वों का पुनर्चक्रण जो है वो संभव ही नहीं हो सकता है। तो ये जो है सरल से कठिन और कठिन से सरल की ओर चक्रण करते रहते हैं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे हैं जैसे दूध से दही बनाना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के आप लोग बहुत अच्छे से नोन हैं। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो कि लेग्यूमिनस प्लांट जितने दाल वाले पौधे हैं उन सबके रूट नोड्यूल में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उनको कहते हैं रोग जनित बैक्टीरिया। कौन कौन से रोग उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस और भी बहुत सारे रोग हैं जो कुछ बैक्टीरिया के समुदाय द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अब अगर हम देखें कि इसमें प्रजनन यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की मेथड्स कौन कौन सी हैं, इसमें जो प्रजनन की मुख्यतया विधि है वो है सेल डिवीजन,
कौन सी विधि है बच्चों? सेल डिवीजन। ये 12वीं के उसमें मैंने प्रेजेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया है बहुत अच्छे से, यदि आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन मेथड वाले में। इसके बाद सेकंड टाइप है स्पोरुलेशन द्वारा। थर्ड टाइप है प्रायः ये एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक प्रजनन करते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें लैंगिक प्रजनन जैसा व्यवहार भी देखा गया है और उसको लैंगिक प्रजनन भी कहा जाता है बैक्टीरिया में होने वाला। बैक्टीरिया रहते तो सरल है लेकिन इनका व्यवहार जो होता है वो बहुत जटिल होता है। इसी के अंतर्गत एक और आता है माइकोप्लाज्मा। आपसे पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका मानी जाती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती और ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रही आती है। तो बच्चे ये था हमारा प्लांट अपना जगत मोनेरा के बारे में, और इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा के बारे में और आगे और भी जितने किंगडम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, इसको अच्छे से याद करें बच्चों, और हमेशा आप इस लिंक से बने रहें।